वेमेंस डे पर जो ख़वातीन मार्च हुआ उसके हवाले से आप सब वाकिफ़ हैं और मुख्तलिफ किस्म की राय हर तरफ से आ रही है। अभी तक तो जो राय है वो किसी हवाले से भी, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि किसी ने भी, मतलब मैंने अगर लिबरल से लिबरल पर्सन मेरे साथ ऐड है तो उसने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। क्योंकि देखिए दो बातें होती हैं, एक होता है कि हम हकीकी तौर पर कितने सीरियस हैं हुकूक निस्वां के लिए बात करने में, और प्लस जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ख़वातीन के हवाले से, पाकिस्तान की बात करूँगी क्योंकि रैली पाकिस्तान में हुई है, ख़वातीन के किस किस्म के प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में हैं। एक तो ये होता है किसी रैली का मकसद या किसी मार्च का मकसद। अब यहाँ जो मकसद मुझे दिखाई दिया वो थी अपनी कुछ ज़ाती फ्रस्ट्रेशन को उजागर किया गया, जैसे कुछ चीज़ें आप पर पाबंदियाँ हैं और उन पाबंदियों को आप पब्लिक में लाकर, जैसे हम अपने मैले कपड़े लाकर सड़क पर धोना शुरू कर दें। अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है अपनी मैरिटल लाइफ के हवाले से, या आपके घर का माहौल ऐसा है कि आपके ऊपर सख्ती है या कुछ है, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपकी आज़ादी, जिसे वो दूसरी वाली आज़ादी कहते हैं ना, सो कॉल्ड आज़ादी, उसके रास्ते में रुकावट है, तो वो आपका एक पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने उसमें उसको एक मार्च की शक्ल दी है, यानी जिस तरह आपने एक रैली निकाली है, उससे वो एक ऐसी पिक्चर पेंट हुई है कि जैसे पाकिस्तान की ख़वातीन ऐसी हैं। आप यकीन करें कि जो मैं प्लैक कार्ड्स देखती रही हूँ, जो चीज़ें मैंने तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को शेयर किया है, मगर मैं बहुत बार तकलीफ़ से गुजरी हूँ, और उसके बाद से मैं उन तमाम ख़वातीन को ये उनसे कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ यू ना, टुडे आई एम वेरी मच अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं भी औरत हूँ, और क्यों मुझे वो चीज़ें पढ़नी पड़ी जो मर्द शेयर कर रहे थे, और इतनी मैं तकलीफ़ से गुजरी हूँ। अगर किसी ने मेरे पास कमेंट में शेयर की हैं, मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने उस पर्सन को उसी वक्त अनफ्रेंड किया या ब्लॉक किया गुस्से की वजह से, कि आज मौका आपने ना दिया होता तो ऐसा ना होता। दो तरह की शोहरत होती है, एक सस्ती और एक महंगी। ये सस्ती शोहरत होती है, आपने वैसे फेमस होना है तो कोई वीडियो, आजकल बड़ी फनी फनी वीडियोज़ हैं वायरल कर दें, इस तरह से पूरे मुल्क की इमेज का तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको, और इस तरह से आपको ये अपने आप को नुमाया करने की, और मैं दुपट्टा नहीं लूँगी तो चाय खुद बना लो, मोज़े खुद ढूंढ लो। मुझे ये बताएं, जिसको आप चैलेंज करके बात कर रही हैं, क्या उस मर्द के बगैर आपका, मैं कहती हूँ कि कोई एक दिन नहीं, एक मिनट एक सेकंड निकाल कर दिखाएं। मैं शौहर की बात नहीं कर रही, मर्द मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपकी ज़िंदगी में हमेशा से शामिल रहते हैं। सबसे पहले आप इस हकीकत से इनकार कर दें कि आप बहुत साइंसी लोग हैं ना, लिबरल तो जो हो जाता है, जिस पर टैग लग जाता है, वो बड़ा भाई साइंसी हो जाता है, उसका दीन मज़हब से तो ताल्लुक होता नहीं है। वो तो बड़ी बैकवर्ड बात होती है ना कि हम दीन के हवाले से बात करने लगें या मज़हब के हवाले से, वो तो करनी नहीं है, मत करें। मैं आप ही के इंटरेस्ट की चीज़ की बात कर लेती हूँ, मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। साइंस में मुझे साबित कर दें कि एक मर्द के बगैर औरत वजूद में आ सकती है। मैं ज़िंदगी गुजारने का नहीं कह रही, मैं शादी का नहीं कह रही, मैं आपकी लाइफ को यानी थ्रू आउट स्पेंड करने का नहीं कह रही, सिर्फ वजूद में आकर दिखा दें एक मर्द के बगैर, नामुमकिन। साइंस भी कोई ऐसा आपको किसी किस्म का कोई रीज़न पेश नहीं कर सकती कि जिससे वो ये साबित कर दे कि मर्द की कोई अहमियत नहीं है एक इंसान को इस दुनिया में लाने के लिए। प्लस चलें, वो मर्द तो बुरे हो गए कि जिनके साथ आपकी शादी हो गई या जिन्होंने आपको धोखा दे दिया या ये हो गया वो हो गया, उस मर्द का क्या, जिस तरह से आप सड़क पर प्लैक कार्ड उठाकर घूम रही हैं, उस मर्द का क्या जिससे आप पैदा हुई हैं? आपका बाप भी एक मर्द है, आपका ठीक है बेटा हो ना, आपका भाई भी एक मर्द है, और अगर उनकी बीवियां या आपकी माँ इस तरह से प्लैक कार्ड उठाए कि अपने मोजे खुद ढूंढो, खाना खुद पकाओ, खाना गर्म कर लिया करो, ये करो, आप ये सब करके साबित क्या करना चाहती हैं कि आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगी? कुदरत का उसूल है, कोई चीज जब नेचर के अगेंस्ट गई है, जब गई है, वो चीज बर्बाद हुई है। शोहरत अच्छी बात है, अपने आप को उजागर करें। हुकूक निस्वा होते क्या है बेसिकली, अगर आप एक मार्च आपकी होती, आप वो रैली निकालती हैं और उसमें जो प्लैक कार्ड होते हैं वो किस नौयत के होते हैं, तो मुझे खुशी होती कि ख़वातीन पाकिस्तान में किस तरह से अपनी एजुकेशन को लेकर, मतलब उसको कम्प्लीट करने को लेकर या स्टार्ट करने को लेकर समटाइम्स माली मसाइल का शिकार होती हैं, समटाइम्स उन्हें घर की तरफ से इजाज़त नहीं होती, उन्हें करियर बनाने के लिए उस तरह के मौके नहीं हैं। अच्छा, उनके लिए हम इस तरह के फंड्स कायम करें कि जिसमें वो आसानी से एजुकेशन ले सकें, हम लड़कियों में अवेयरनेस पैदा करें कि किस तरह से माशरे में वो कॉन्फिडेंटली मूव कर सकती हैं, इसके लिए हम किस तरह से वर्कशॉप्स कर सकते हैं, हम उन्हें छोटे छोटे हुनर कैसे दे सकते हैं, हम किस तरह एसिड थ्रोइंग के खिलाफ उनको मजबूत कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मर्द जालिम नहीं होता, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप किसी किस्म की रैली ना निकालें, मार्च ना करें, ज़रूर करें, मर्द भी ज़ालिम है लेकिन औरत भी ज़ालिम है, ये जुल्म है। जिस तरह से आप मर्दों के अगेंस्ट जाती हैं ये भी जुल्म है।
जिसको अल्लाह ने सुपीरियर पैदा किया वो सुपीरियर है, वो आप कुछ कर लें वो सुपीरियर रहेगा, क्योंकि सॉरी टू से ज़र्फ़ में आप कभी मर्द के बराबर नहीं हो सकती, ये मैं हमेशा कहती हूँ। बहुत आला ज़र्फ़ ज़ात होती है मर्द की दुनिया में। कोई मिसाल उठाकर देख लें कि जब एक कोई मैरिटल अफेयर है या कोई कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप चीज़ है या कोई अफेयर है कुछ है, जब वो टूटा है ना और औरत ने उसमें रिवेंज लेने की हमेशा ज़्यादा कोशिश की, मर्द ने उस बात को औरत की इज्जत समझ के हमेशा इग्नोर किया कि मैं कुछ कहूँगा तो इसका घर भी बर्बाद हो जाएगा, ये बहुत बार होता है। तो इसलिए मर्द 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 करके बहुत लिबरल बनने की ज़रूरत नहीं है, और औरतों के नाम पर धब्बा ना लगाएं, पाकिस्तान की ये पिक्चर पेश ना करें कि हम फीमेल्स ऐसी हैं, हम बिल्कुल ऐसी नहीं हैं। जहां जहां ये वीडियो जाएगी हम खुश होंगे कि अगर हम अपने मर्द के साथ छाना बशाना घर को चलाने में देखें कॉन्सेंट के साथ, एक रजामंदी के साथ, बाहमी एक मतलब बातचीत के साथ, मैं इस बात के हक में हूँ औरत घर भी चलाए, मैं इस बात के हक में हूँ कि बहुत अगर किसी पेशे को इख्तियार करना चाहती है, कोई जॉब करना चाहती है, करे क्यों, उससे वो एक कॉन्फिडेंट मदर बनती है। कॉन्फिडेंट मदर कॉन्फिडेंट बच्चों की को जिसे कहते हैं उनके ब्रॉटअप में, उन्हें पैदा करने में, इन तमाम चीज़ों में एक उसका बहुत कलीदी किरदार होता है। इस बात को समझे, इसका क्या मैं टाइट्स पहनूंगी और मैं गला खुला पहनूंगी और मैं ये कर आप ये सब करके, या मैं सर को नंगा कर लूंगी तो बट्टा आंखों पे बांध लूं। आप कहती हैं कि नज़र तेरी खराब है, दुपट्टा मैं क्यों लूं, तो ठीक है गोश्त को खुला छोड़ दें कुत्ता झपटेगा, ये नेचर है या नहीं, आप उसके अगेंस्ट जाए। आप एक तरफ कहती हैं कि गोश्त भी खुला और ना उस पर जानवर झपटे ना उस पर परिंदे झपटे, शिकार उसी गोश्त का होता है जो नंगा होता है, तो नंगा गोश्त ना बने, अपनी नेचर के अगेंस्ट जाएंगी, टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस दुनिया में पहली तखलीक भी मर्द है, और अल्लाह के लिए भी आपने कभी फीमेल का सीगा यूज नहीं किया। दूसरी बात, तीसरी, चांद आपको कहा जाए, सूरज आपको कहा जाए, सूरज की रोशनी से मर्द आपको तशबीह दे, चांद से आपको दे, लेकिन कैसे भूल जाती हैं कि चांद होता है, होती नहीं है, सूरज होता है, होती नहीं है, बादल होता है जो साया देता है वो होती नहीं है, लेकिन सिर्फ जमीन होती है और आप जमीन है। अपनी जगह को पहचाने, उस हवाले से नहीं कि जमीन नीचे होती है, इस हवाले से कि ज़मीन सैराब होती है, ज़मीन प्रोडक्टिव होती है, ज़मीन सुकून होती है, ज़मीन आसरा होती है, ज़मीन ठंडक होती है, ज़मीन मोहब्बत होती है। अपनी जगह को लूज़ करेंगी और इस तरह की हरकतों से इंटरनेशनली हम लोगों को बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि नेचर के अगेंस्ट ना जाएं, जाएंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी, बर्बादी की तरफ होंगी, और फिर आप ही जैसी होती हैं बहुत सारी जिनसे मेंटल हॉस्पिटल भरे हुए होते हैं।